इजाजत, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग जी। कोर कमेटी की मीटिंग अभी जारी है, इसलिए मैं आई एम सॉरी माजत के थोड़ी देर हो गई, वहाँ से आप इजाज़त लेके आपके पास आया हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के डिसीजंस हैं, हो रहे हैं, मामलात जो हैं मुल्क में वो एक डिसाइसिव फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, और इसमें हमारी पीटीआई का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और फॉरवर्ड लुकिंग होगा। हम पूरी तरह कंट्रीब्यूट करेंगे कि मुल्क में जो चेंज जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइट करती रही है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे और जल्दी से जल्दी पहुँचे। इस सिलसिले में हमने ये 15 पॉइंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा जो है वो हमने आज अप्रूव किया है इन प्रिंसिपल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं स्पेसिफिकली आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर हमारी एक्टिविटी होगी, ये पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हमारी एक्टिविटी होगी, ये पार्लियामेंट के अंदर हमारी एक्टिविटी होगी, और ये लीगल फ्रंट के ऊपर हमारी एक्टिविटी होगी। और इसका जो फोकस है वो वही ख़त है जो कि 6 जज साहिबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। सो उसको सामने रख के जो जो इंटरवेंशंस हो रही हैं इस वक्त रियासत के मामला चलाने में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल इंटरवेंशंस जो हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मल्टीपल प्रॉन्ग जो हमारी एक्टिविटी है उससे उन इंटरवेंशंस जो है उनको उनका खात्मा किया जा सके, क्योंकि रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक कि ये इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस जो है वो ख़त्म नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस जो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की, वो तबाह हो चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई है। कोई इंस्टीट्यूशन आपका जो है वो कानून और आइन के दायरे में रह के फैसला करने का मजाज नहीं रहा, क्योंकि उनके लोगों को किडनैप किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनकी कोर्शन है, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर जो कुछ है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। आपको भी इफ्तारी का इंतज़ार होगा, तो सबले जो मेजर चीज़ें इसमें हमने की हैं उसमें जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन जो है हम सीक कर रहे हैं, जो जिस किस्म का कमीशन ये बनाना चाह रहे हैं वो हम रिजेक्ट कर चुके हैं। हम जुडिशल कमीशन कंप्राइजिंग सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो हम सीक कर रहे हैं, और वो तमाम पूरे जितने भी सिटिंग जजेस हैं वो उसके मेंबर्स हों और वो इसको हेयर करें, वो देखें कि क्या मामलात हैं। नंबर दो, हम जो जुडिशल कन्वेंशन सीक किया है इन मेंबरान ने, इन जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हम उसके भी उसको भी यू नो हम सेकंड करते हैं और चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जल्दी से जल्दी इस किस्म का जुडिशल कन्वेंशन जो है वो होल्ड करे, ताकि जो मामलात की नौयत जो है वो कुलियतन समझ आ पाए। ये सिर्फ इन 6 जजेस का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान में हर जज जो है उसका मामला है, और हमने उसकी कहानी सुननी है, हमें पता चलना चाहिए कि वो क्या उनके साथ बीती है, बीत रही है, ताकि उसका उसको ख़त्म किया जा सके, और जो रियासती इदारे हैं उनकी इंडिपेंडेंस जो, उनकी आज़ादी जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके बाद हमारा डेली प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है जी, मंडे से, सोमवार, आने वाली सोमवार, दो दिन के बाद से हम लोग डेली प्रोटेस्ट सारे पाकिस्तान में करेंगे, ख़ासकर इस्लामाबाद में करेंगे जी। शौकत सदीकी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया है, बड़े ल्यूरेट तरीके से बताया है कि उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या सलूक करवा रखा गया। सिर्फ ये शौकत सदीकी साहब की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के बहुत सारे और लोगों की भी यही कहानी है। ये पीटीआई के मेंबरान की, सिटिंग मेंबर्स ऑफ दी नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज जो है, उनकी भी यही कहानी है। उनकी बिजनेसेस तबाह की गई हैं, उनकी फैमिली लाइफ तबाह की गई है, उनको टॉर्चर किया गया है, कैद, उनको फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में वो गए हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम पूरी कोशिश हमारी है कि हम इनको पब्लिक डोमेन में लेके आएँ। इसके अलावा हम अब कॉन्टेक्ट जो है मीडिया के साथ, बोथ डोमेस्टिक मीडिया एंड इंटरनेशनल मीडिया, उसको हम इन्हेंस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपके पास जो हमारी सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेशनल असेंबली में हमने एडजर्नमेंट मोशन जो है वो ऑलरेडी मूव कर दी है आज, मैं वो आपको अभी मैं रिजवान साहब के कहूँगा कि वो जो एडजर्नमेंट मोशन मूव करने की कॉपी है वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जिस हमने एडजर्नमेंट मोशन ये है, ये है कि जो ये लेटर है इसको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर डिस्कस किया जाए, और इसको इसके जो इसमें जो मदरजात हैं उनकी रोशनी में आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा बहुत सारे और जो हैं हमने इनिशिएटिव्स लेने हैं। एक तो जलसा जो है हमारा संडे को पिशावर में हो रहा है,
उसके बाद 19 तारीख को पिंडी में हो रहा है, फिर 21 तारीख को कराची में हो रहा है, लेकिन इससे पहले 19 तारीख के जलसे से पहले पहले जो हमारे और बाकी जलसों का प्रोग्राम है वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सो पीटीआई इज़ गेटिंग इनटू अ डिफरेंट मोल्ड ऑफ एक्टिविटी, इनटू अ वेरी इनटू अ हायर मोल्ड ऑफ एक्टिविटी। सो क्योंकि दो साल हमने बैठ के देख लिया है, दो साल हमने रियासत का जबर, रियासत का जुल्म बर्दाश्त किया है, मेरा ख्याल अब टाइम आ गया है कि हम खड़े होके अपना जो कहानी है, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी है, वो भी बयान करें, सुनाएं और कोशिश करें जितनी भी हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि हम उसको वो कोशिश करें ताकि मुल्क में जो चेंज है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की है, जो कि उन्होंने 8 फरवरी को अपने वोट की ताकत से उसको इस्टेब्लिश किया है, उसको स्टैम्प किया है, तो हम चाहते हैं कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम उनकी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तमाम इकदाम करें जो कि हम कर सकते हैं। यही था आपके लिए जी आज के लिए, और आज सवालात मेरा ख्याल रहने दीजिए, अफ्तारी करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया।